तो यार क्या हाल चाल मेरे भाइयों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपने एयरटेल थैंक्स ऐप से रिडीम कोड किया, आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट से डेबिट हो गए और आपको रिडीम कोड भी नहीं मिला तो आप कैसे रिफंड ले सकते हैं। पूरा कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है यदि आप ये इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं। तो यदि आपने एयरटेल पेमेंट्स बैंक की सहायता से अपना रिडीम कोड बनाया, गूगल रिचार्ज कोड बनाया है और आप उसकी रीपेमेंट कर देते हैं, आप यहां पे अमाउंट डालने के बाद यहां पर आप उसको कंटिन्यू कर देते हैं, तो गाइस मेरे साथ क्या हुआ था अभी इशू 2 या 3 दिन पहले कि मैंने 80 रुपये का एक रिडीम किया था और मेरे पैसे मेरे अकाउंट से डेबिट हो चुके थे और इसके अंतर्गत मुझे जो रिडीम कोड होता है वो नहीं मिला था। इसमें मुझे बहुत ज़्यादा इशू हो रहा था, तो गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ और मुझे जो जो स्टेप्स बताए गए थे मैंने सभी स्टेप्स को फॉलो किया और मुझे तब भी यहाँ पर रिफंड के लिए कोई भी चीज़ें नहीं देखने को मिलती थी। उन्होंने बोला था कि आप सर्च बॉक्स में जाइए, इसके बाद यहाँ पर आपको गिफ्ट कार्ड में जाना है, यहाँ पे गिफ्ट कार्ड का ऑप्शन है, इस पे जैसे आप क्लिक करोगे, इसके बाद जैसे कि मैंने इस पे क्लिक किया, इसके बाद उन्होंने बोला कि आपको यहाँ पे ऑर्डर हिस्ट्री पे क्लिक कर लेना है और जैसे ही आप ऑर्डर हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे तो गाइज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है कि यहाँ पर आपको रिडीम कोड की हिस्ट्री देखने को मिलती है। तो लेकिन मुझे यहाँ पर ऑर्डर हिस्ट्री की भी आप मुझे यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही थी, ऑर्डर हिस्ट्री रिडीम कोड की, गूगल प्ले रिचार्ज कोड की। तो दोस्तों अब मैं इसकी ट्रांजेक्शन भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ कि जो मैंने ट्रांजेक्शन की थी उसकी वो भी दिखाने वाला हूँ, ठीक है गाइज। तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो गाइज जैसे कि मैं ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को ओपन करता हूँ, यहाँ पर मैं अपना एमपिन टाइप करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरे ये हुआ है, जो डेबिटेड हुआ है यहाँ पर, ये देख सकते हैं 80 रुपये डेबिट फ्रॉम योर अकाउंट पेमेंट मेड फॉर गिफ्ट कार्ड। और इसके अलावा यहाँ पर आप ट्रांजेक्शन आईडी भी चेकआउट कर सकते हैं और साथ गाइज जैसे कि आप SMS के द्वारा भी मैं आपको दिखा सकता हूँ ये प्रूफ कि मेरे अकाउंट से पैसे डेबिटेड हुए थे और मुझे फाइनली जो रिफंड है वो मुझे मिल चुका है एयरटेल पेमेंट्स बैंक की तरफ से। और मैं बताने वाला हूँ कि कैसे मिला है, वो पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो गाइज यहाँ पर देख सकते कि हाई साइल यूर बोट एक गूगल प्ले रिचार्ज कोड और अमाउंट दिखाया गया और मुझे ट्रांजेक्शन आईडी और बैलेंस शो कर रहा है, ये अमाउंट मुझे दिखाई दिया। तो गाइज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन तरीके से, यदि आपको दिक्कत होने वाली है तो गाइज़ आप इनके कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। मैंने कस्टमर केयर से भी बात की तो गाइज़ वहां पर भी मेरा कोई सोल्यूशन नहीं हुआ, तो सबसे बेस्ट मेथड बताने वाला हूं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में जीमेल को ओपन कर लेना है। जैसे आप जीमेल करेंगे तो आपको यहां पर एक मेल करना होता है और जो मेल करना होता है कुछ इस तरीके से करना होता है जैसे कि मैंने किया हुआ है। तो गाइज़ यहां पर आप देख सकते हैं कि जो मैंने मेल किया मैं सेंडिंग में जाता हूं। जैसे ही मैं सेंड में गया तो यहाँ पर मैंने कुछ यहाँ पर भेजे हुए हैं, जैसे कि मैं 30 नवंबर को मैंने यहाँ पे अपना सबमिट किया है। तो गाइस जैसे कि मैं यहाँ पे सबमिट को ऑन करता हूँ तो यहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन लिखी है कि डियर सर, मैंने इतने तारीख को ये कोड किया था, इतने टाइम पे 80 रुपये का कोड किया था, ये मुझे ट्रांजेक्शन ये चीज़ें दिक्कत हुई और इसके अलावा मैंने यहाँ पर अपनी बेसिक्स डिटेल डाली जैसे कि रिडीम कोड के रिगार्डिंग। और गाइस यहाँ पर मैंने क्या किया है कि यहाँ पर मैंने अपना नाम डाला है और जहाँ पर सब्जेक्ट होता है वहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और साथ ही गाइस यहाँ पर मैंने सभी चीज़ें इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी है और यहाँ पर मैंने सारे के सारे स्क्रीनशॉट को अपलोड किया है। जैसे ही मैंने अपलोड किया इसके बाद मुझे रिप्लाई आता है, गाइस आज मुझे रिप्लाई आया है तो वो मैं रिप्लाई भी आपको दिखा देता हूँ रिफंड के रिगार्डिंग। जैसे मैं इंपॉर्टेंट में जाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि ओपन किया मैंने, ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से यूजर इंटरफेस देखने को मिलता है कि ग्रीटिंग योर एयरटेल पेमेंट्स थैंक यू और इसके बाद यहाँ पर बताया जाता है कि दिस इज़ इन्फॉर्म यू दैट योर अमाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुल प्रोसेस्ड रिफंड इन योर अकाउंट, कि जो आपका अकाउंट है वो प्रोसीड में है और आपका रिफंड हो जाएगा। तो गाइस अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जो मेरा अकाउंट में जो बैलेंस है वो रिफंड हो चुका है। जैसे मैंने एयरटेल ऐप को ओपन किया तो आपके सामने कुछ इस तरीके से यूजर इंटरफेस आएगा और जैसे ये एयरटेल थैंक्स ऐप ओपन होती है तो इस तरीके से ओपन हो जाता है और जैसे ही ओपन होएगा यहाँ पर आपसे एम पिन मांगा जाता है तो एम पिन को आपको सबमिट कर लेना है। जैसे आप एम पिन को सबमिट करेंगे, चलिए गाइज मैं अपना एम पिन सबमिट कर लेता हूँ। जैसे आप एम पिन को सबमिट करेंगे तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं रिफंड 80 रुपये टू योर बैंक अकाउंट रिफंड फ्रॉम यूरोनेट सर्विस पर इंडियन प्राइवेट लिमिटेड अगेंस्ट ओरिजिनल ट्रांजेक्शन आईडी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि ये 80 रुपये की ट्रांजेक्शन हुई थी डेबिटेड
28 तारीख को और ये फाइनली मुझे रिफंड हो चुका है। तो गाइस इस वीडियो में बस यही था कि आज की वीडियो में बस कि आपको कैसे मेल करना है। तो गाइस जो भी जिस प्रकार की आपकी दिक्कत होती है तो आपको vcare@airtel.com पे आपको मेल करना होगा। स्क्रीनशॉट आपको लेने पड़ेंगे, सब चीज़ आपको लेनी पड़ेगी इशू के रिगार्डिंग, और आपकी 2 दिन के अंतर्गत आपकी जो रिफंड है वो आपके अकाउंट में रिफंड कर दिया जाता है, और इस तरीके से आप अपने अकाउंट का यूज कर पाएंगे, रिफंड ले पाएंगे। दोस्तों यदि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए। दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।